ऊना में अवैध शराब के तस्करी के मामले में देर रात को एक नया मोड़ देखने को मिला है। पुलिस ने रात को ऊना संतोषगढ़ रोड पर शराब की तस्करी पर नकेल कसने के लिए नाका लगाया हुआ था, तभी एक कार की चेकिंग के लिए रोका गया तो उसमें भारी मात्रा में शराब मिली। पुलिस ने जब कार्रवाई करनी शुरू की तो उन्होंने फोन करके दो और गाड़ियों को बुलाया जिसमें काफी लोग सवार थे। उनमें एक गाड़ी सदर ऊना के विधायक सतपाल रायजादा की थी जिसमें उनके PSO वो एक अन्य आदमी सवार थे। इन सभी ने वहां पर पुलिस की SIU टीम पर हमला किया और उनकी बुरी तरह से पिटाई की। एक दर्जन के करीब लोगों ने पुलिस की SIU टीम को काफी बुरी तरह से पीटा और मौके से पकड़ी गई शराब को तोड़ डाला। वहीं मौके से बाकी सारे लोग भागे, लेकिन कांग्रेस के सदर ऊना से विधायक सतपाल रायजादा के PSO वहीं पर थे। पुलिस ने शराब की गाड़ी और हमला करने आए लोगों की आल्टो कार को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने सदर की विधायक की गाड़ी को भी मौके से अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस अब ये नहीं बता रही कि मौके पर गाड़ी में सदर के विधायक सतपाल रायजादा मौजूद थे या नहीं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। प्रेस क्लब सोलन के सौजन्य से देशभक्ति व हिमाचल संस्कृति पर आधारित हिम कलश सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्तर क्षेत्र के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संगठन मंत्री विजय सिंह नड्डा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि पुलिस अधीक्षक सोलन मधुसूदन शर्मा विशेष अतिथि के रूप में मौजूद हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इसके बाद वंदे मातरम व शिव कलशों की वापसी भजन के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिम कलश कार्यक्रम में सोलन जिला के विभिन्न स्कूलों व निजी स्कूलों के लगभग 200 बच्चों ने भाग लिया। हिम कलश कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि द्वारा प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। वहीं कविता पाठ का आयोजन भी किया गया जिसमें सोलन शहर के वरिष्ठ एवं युवा कवियों ने देश प्रेम पर आधारित कविताएं प्रस्तुत की। उत्तर क्षेत्र के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन मंत्री विजय सिंह नड्डा ने बताया कि हिम कलश कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए प्रेस क्लब को वे बधाई देते हैं और कहा कि प्रेस क्लब सोलन समाज के कार्यों में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है और हमारी संस्कृति और सभ्यता को संजोए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी सोलन दो गुट में बटी साफ नजर आ रही है। सोलन में आजकल सक्रिय हुए गुट भाजपा के दिग्गज नेता शांता कुमार के माने जा रहे हैं, तो दूसरा सोलन की राजनीति के किंग विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल के पुराने साथियों और कार्यकर्ताओं का है। बेशक राजीव बिंदल सोलन से सिरमौर चले गए हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में उनकी पकड़ आज भी उतनी ही मजबूत मानी जाती है। लेकिन कुछ महीने से शांता कुमार गुट इस पकड़ में सेंध लगाने का पुरजोर कोशिश कर रही है और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी उपस्थिति ज्यादा दिखाकर अपने वर्चस्व को स्थापित करने में जुटी हुई है। इस गुट में जब से पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सोफत की एंट्री हुई है तब से शांता गुट की सक्रियता सोलन में ज्यादा बढ़ गई है। आज भी भाजपा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें यही गुट हावी नजर आया, जिसमें बढ़ती जनसंख्या और घटते संसाधनों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया गया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता महेंद्र सिंह सोफत ने की और इस मौके पर भाजपा नेता राजेश कश्यप भी विशेष रूप से मौजूद रहे। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सोफत ने बताया कि सोलन में बेहद महत्वपूर्ण विषय बढ़ती जनसंख्या और घटते संसाधनों को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें चुनावी राजनीति से संन्यास ले चुके शांता कुमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सहजल विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में शहरवासियों को बढ़ती जनसंख्या और घटते संसाधनों के बारे में जागरूक किया जाएगा ताकि जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। शिमला जिला के रामपुर उपमंडल मुख्यालय के समीप डोकरण की महिला मंडल ने नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाया हुआ है ताकि स्वास्थ्य एवं गतिशील समाज का निर्माण हो सके। जय देवता कलसी महिला मंडल की महिलाओं का कहना है कि शहर के आसपास भंग नशेड़ियों को आसानी से ना मिल सके, इसलिए भंग को नष्ट किया जा रहा है। जब भंग आसानी से नहीं मिलेगी तो अपने आप नशेड़ी नशा छोड़ेंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे। लोगों को इस प्रकार के नशे से दूर रहने के प्रति उन्होंने जागरूक भी किया।
उन्होंने बताया कि युवा एक दूसरे को देखकर इस तरह की गलत संगत में पड़ रहे हैं और अपना भविष्य भी दांव पर लगा रहे हैं, इसलिए हर जागरूक इंसान को मादक पदार्थों के विरुद्ध खड़े होना चाहिए। इस तरह के कार्यों में महिलाओं की अहम भूमिका होती है। ऐसे में डोकलैंड महिला मंडल की महिलाएं नशा मुक्त अभियान को अंजाम तक पहुंचाने जा रही हैं। प्रोमिला मेहता ने कहा कि डोकलैंड व आसपास की महिलाओं ने नशा मुक्त अभियान चलाया हुआ है। उन्होंने बताया कि रामपुर व इसके आसपास के क्षेत्रों में भांग उखाड़ने का काम भी जोरों पर चल रहा है। इससे और लोगों को भी संदेश देकर जागरूक किया जा रहा है ताकि वे नशा मुक्त समाज बनाने में अपना योगदान कर सकें। महिला मंडल की प्रधान अंजलि ने बताया कि आज सभी महिलाएं भांग उखाड़ने में लगी हैं और महिलाएं सड़क के साथ जहां भांग अधिक है उसे उखाड़ रही हैं ताकि नशेड़ी और युवाओं को आसानी से भांग उपलब्ध ना हो सके। इससे आसपास का माहौल भी ठीक रहेगा।